हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सर, अभी हम लोग जो फ्लैट देखेंगे, ये हमारा 2 BHK फ्लैट है जो 65 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, 65 गज का फ्लैट। आधी किलोमीटर की दूरी है मेट्रो स्टेशन से, चाहे वो द्वारका मोड़ का मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो नवादा का मेट्रो स्टेशन हो। द्वारका के बहुत ही नियर बाई 1 किलोमीटर यहाँ से अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारा द्वारका आ जाएगा। ये जो फ्लैट है, लोन वाला फ्लैट है, इस पर 80% से 85% आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ जो पानी है वो दो तरह के पानी हैं, चाहे वो समरसेबल का पानी हो या जल बोर्ड का पानी हो, दोनों तरह का पानी आपको मिल जाता है। रजिस्ट्री वाले फ्लैट्स हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं फ्रंट एलिवेशन, रोड, फिर हम आपको बारी बारी से अपने फ्लैट का डिस्क्रिप्शन देंगे। आइए फ्रेंड्स, ये सामने हमारा बिल्डिंग का एलिवेशन है। इसमें कुछ फैमिली शिफ्ट हो गई है, हालांकि अगर मैं इसके फ्लोर की बात करूं तो एक फ्लोर पे 3 फ्लैट है। जिधर हम खड़े हैं इस तरफ 2 BHK के 2 फ्लैट्स हैं, और चूंकि प्लॉट 2 साइड ओपन है तो जो दूसरा साइड है उधर 4 BHK का फ्लैट्स है। अभी जैसा आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी सड़क, चौड़ी सड़क, दोनों तरफ एक एक गाड़ियाँ लगने के बाद भी आपको बीच में गाड़ियाँ जगह मिल जाता है। आगे क्लोज एंडेड रोड है, रोड आगे ख़त्म हो जा रहा है। थोड़ा जूम करके दिखाएं, इधर वही लोग आएंगे जिनका घर है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी एक फ्लैट आपको दिखाया था कि ऊपर से अगर आप नीचे आते हैं, आप बच्चे के साथ टहल भी रहे हैं या खाना खाने के बाद नीचे उतर के आप घूम भी रहे हैं, तो आपको कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा। और इस तरफ थोड़ा उधर घुमाएं आप शुभम, इस तरफ भी आपका जो गेट है, गेटेड सोसाइटी टाइप आपको मिल जाता है। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसमें जो हम लोग पार्किंग दे रहे हैं वो बाइक पार्किंग होगी, इसमें कार पार्किंग नहीं है, हम 2 व्हीलर की पार्किंग दे रहे हैं। आइए, ये हमारा पार्किंग का एरिया है। इस तरफ हमने जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो हम लोग लगा के दे रहे हैं, इधर भी है और उस तरफ भी है, दोनों तरफ। यहाँ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा लिफ्ट का एरिया है। हम आपको ले चलेंगे लिफ्ट से अपने टॉप फ्लोर की तरफ। लिफ्ट से हम आ गए हैं अपने टॉप फ्लोर पे। जैसे इस फ्लैट में हम एंट्री ले रहे हैं तो ये हमारा वेस्ट फेसिंग पड़ेगा। अगर मैं इस प्लॉट की बात करूँ तो प्लॉट ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है, दोनों तरफ से प्लॉट ओपन है, दोनों तरफ से 30-30 फीट का आपको रोड मिल जाता है। और यहाँ से अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग पड़ेगा, मीन्स जो फ्लैट होगा वो ईस्ट फेसिंग होगा। यहाँ हम लोग आयरन गेट लगा के दे रहे हैं, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, आयरन गेट हम लोग लगा के दे रहे हैं। जैसे हम एंट्री ले रहे हैं, ये हमारा ड्राइंग का एरिया है। इस तरफ हमने किचन दिया है, एक बेडरूम हमारा यहाँ मिल जाता है, और ये सेपरेट आपका ड्राइंग एरिया है। इधर एक वॉशरूम मिल जाता है और एक बेडरूम आपको यहाँ मिलता है जिसके साथ अटैच वॉशरूम है। अगर मैं इस फ्लैट की बात करूँ, जैसे हम एंट्री ले रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो, ये डिजिटल टाइल्स इसमें दी गई है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इस टाइल्स का। हालांकि रिफ्लेक्शन ऊपर जो LED लाइट्स है उसका रिफ्लेक्शन भी आप देख पा रहे होंगे। ऊपर देखिए इस तरह का जो डिज़ाइन दिया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन फॉल सीलिंग का, चाहे वो ड्राइंग रूम से लेके जहाँ तक ये दिखा पा रहे हैं, पूरे में फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिया गया है। उसके बाद यहाँ हमने इस तरह के वॉलपेपर दिए हैं जो 3D लुक दे रहा है, और ऊपर जैसा इन्होंने दिखाया है आपको फॉल सीलिंग का डिज़ाइन। यहाँ आप चाहें तो जो आपका सोफ़ा का प्लेसमेंट है वो आप या तो यू टाइप में रख सकते हैं या एल टाइप में भी रख सकते हैं। और इसके साथ ये हमने जो LED पैनल है वो दिया है, यहाँ पे आपके TV आ जाएंगे या LED LCD जो भी आप यूज़ करते हैं। ये सारे जो बॉक्सेस दिए गए हैं इसमें आप डेकोरेटेड आइटम रख सकते हैं। साथ में स्टोरेज के लिए यहाँ कैबिनेट्स भी दिए गए हैं, यहाँ 2 कैबिनेट्स मिल जा रहे हैं, यहाँ भी आपको 2 कैबिनेट्स मिल जा रहे हैं। उसके बाद चूँकि यहाँ मैं किचन दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये हमारा किचन का एरिया है, तो थोड़ा पीछे जाके दिखाएं। इस तरफ आपका ड्राइंग आ गया, अगर आपके गेस्ट उधर बैठे हैं, इधर आप किचन में कुछ खाना वाना भी बना रहे हैं
लाइक जो गेस्ट हैं वो आपको देख नहीं पाएंगे, यहाँ पे हमने ग्लास का पार्टीशन भी दे दिया है, और ये जो किचन दे रहे हैं हम लोग मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, और इसका अगर डाइनिंग आप चाहते हैं, इसका डाइनिंग एरिया निकालना, डाइनिंग टेबल लगाना, तो इसके सामने ही थोड़ा सुबह उस तरफ जाएं आप और इधर दिखाएं किचन की तरफ, थोड़ा और पीछे जाएं वो उस गेट के पास, यहाँ अगर हमारा किचन है तो ये जो एरिया है आपको, ये डाइनिंग के लिए यहाँ पे जो राउंड टेबल आता है उसमें 4 चेयर आते हैं, वो आपका यहाँ आप लगा सकते हैं उस चीज़ को। तो बहुत अच्छा ड्राइंग एरिया, लिविंग एरिया और डाइनिंग टेबल का भी आप स्पेस निकाल सकते हैं इसमें। जैसा कि हमारे सारे फ्लैट्स में होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक चिमनियाँ लगा के दे रहे हैं, और ये जो सारे स्टोरेज हैं ये आपको यहाँ स्टोरेज मिल जा रहे हैं, ये सारे कैबिनेट्स हमने यहाँ पे दिए हैं। अगर नीचे भी अगर कटलरी वेयर सेट है या आपका बड़े कंटेनर है, स्मॉल कंटेनर है, उसके लिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जा रहा है। ये सारे स्पेस यहाँ आपको मिल जा रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ भी आप सामान प्लेस कर सकते हैं। यहाँ आड़ों के लिए जगह दी गई है, अभी इसमें सैनिटरी फिटिंग लगनी है, जो हमारा गीजर का पॉइंट होते हैं या ठंडा पानी गर्म पानी, उसके लिए अभी इसमें सैनिटरी फिटिंग लगनी है। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ फर्स्ट बेडरूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, अगर इसकी मैं डायमेंशन की बात करूँ तो ये अप्रॉक्स 10x11 का इसका साइज़ आपको मिल जाता है बेडरूम का। इस तरह के वॉलपेपर दिए हैं, थोड़ा सा अलग सा वॉलपेपर आपको ये दिख रहा होगा, जो एक राजस्थानी लुक है वो दे रहा है। उसके बाद यहाँ आपको एक वार्डरोब मिल जाते हैं, और ऊपर आप देखिए इस तरह के डिजाइंस दिए हैं फॉल सीलिंग के। यहाँ हमने स्प्लिट एसी का ऑप्शन दिया है, अगर आप स्प्लिट एसी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्प्लिट एसी का आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी हमने स्पेस दिया है। क्योंकि जैसा हमने आपको दिखाया था, ये हमारा लिविंग का एरिया है, यहाँ आपको कॉमन रूम का भी जो साइज है वो अच्छा खासा आपको मिलता है, काफ़ी स्पेसियस साइज है। जो टाइल्स भी लगाई गई हैं बहुत मैच करके लगाया गया है, एक ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। इसमें भी सारे सैनिटरी फिटिंग अभी लगनी है, चाहे वो गीजर के पॉइंट्स हो, चाहे वो टैप हो जो पानी के लिए डायरेक्ट पानी है, या ठंडा गर्म पानी आता है उसके लिए हो, या वॉल शावर हो, जो सारी चीज़ें इसमें आपको हम लगा के देंगे। उसके बाद ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, इसका भी अप्रॉक्स जो साइज़ है वो आपको 10x12 का मिलता है। इस तरह के वॉलपेपर दिए हैं और ऊपर इस तरह के डिज़ाइन दी गई है, फॉल सीलिंग के डिज़ाइन। यहाँ आपको विंडो मिल जा रहा है, और ऊपर विंडो एसी का प्रोविज़न दिया गया है। ये हमारी बैल्कनी है, अभी हम टॉप फ्लोर पे खड़े हैं। वॉशिंग एरिया हमने उस तरफ बनाया है, थोड़ा तो उधर दिखाएं शुभम, वॉशिंग एरिया वहाँ बनाया है। अगर आसपास की मैं जेंट्री की बात करूँ तो इधर अगर आप देखें, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं, यहाँ की जेंट्री आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये हमारा टॉप फ्लोर है, लिफ्ट के साथ, लिफ्ट से हमने आपको दिखाया ही था। और इसमें जो एक चीज़ हम नहीं दे रहे हैं वो है कार पार्किंग, इसमें हम बाइक पार्किंग दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर मैं ओवरऑल इस फ्लैट की बात करूं तो ये जो हमारा, हाँ, और एक चीज़ दिखाना रह गया था, चूँकि वो कॉमन वॉशरूम दिखाया, इस बेडरूम के साथ आपको ये अटैच वॉशरूम मिल जाता है, इसमें भी अभी सारी सैनिटरी फिटिंग लगनी है। और इस तरफ इसके वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस फ्लैट की, तो एक बार मैं आपको अगेन थोड़ा सिनॉप्सिस दे देता हूं। ये जो फ्लैट है हमारा 2 BHK का फ्लैट, 65 गज में बना हुआ है, मनसाराम पार्क एरिया में है, जिसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, चाहे हम बात करें कैब से, कैब है या ई रिक्शा है या ऑटो है, घर से बाहर निकलते हैं आपको मिल जाता है।
सामने हमने दिखाया चौड़ी सड़क है और इस फ्लैट एक फ्लोर पे, इस पे तीन फ्लैट बनाए गए हैं टोटल। इसमें इस बिल्डिंग में 12 फ्लैट हैं, एक 4 BHK है और 2 2 BHK हैं एक फ्लोर पे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो जो हमारा नंबर है उस पर आप कॉल करें 9711844789। इस पर आप कॉल करें, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम दें, हम आपको फ्लैट दिखाएंगे। और अभी हम जिस फ्लोर पे खड़े हैं ये हमारा टॉप फ्लोर है। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में नए फ्लैट के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम।